बात अगर हरियाणा की करें तो हरियाणा से तीनों मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, रतनलाल कटारिया, राव इंद्रजीत सिंह इन को भी दिए गए हैं। क्या लगता है विधानसभा चुनाव से जोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि हरियाणा में अगर केंद्र सरकार के गठन के बाद सबसे पहले कहीं विधानसभा चुनाव होगा और बीजेपी इतने प्रचंड बहुमत से जीत कर आई है और उसके बाद सबसे पहला टेस्ट उनको जो है हरियाणा में ही देना है, तो उसके लिए जो है उन्होंने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। और आपने देखा होगा कि राव इंद्रजीत जो अहिरवाल बेल्ट से आते हैं वहाँ पर उनका प्रभाव 20 से 22 सीटों पर है, जहाँ पर वो उम्मीदवारों को जिताने या समीकरण बदलने में माहिर है। आपने देखा होगा कि पिछली बार भी जो है साउथ हरियाणा से बीजेपी को जबरदस्त सफलता मिली थी और इस बार भी मोदी सरकार ने जो है राव इंद्रजीत पर भरोसा जताया है। उनके पास जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय दिया गया है, योजना मंत्रालय का भी स्वतंत्र प्रभार उनके पास है, तो स्वतंत्र प्रभार मंत्री के तौर पर उन्हें ये मंत्रालय दिए गए हैं। और अहिरवाल बेल्ट में जो 20 से 22 सीटें आती हैं, बीजेपी इस बार फिर मानकर चल रही है कि वहाँ उनका प्रदर्शन अच्छा होगा। और बैकवर्ड अहिरवाल बेल्ट से आते हैं, यादव समीकरण वहाँ पर ज़्यादा काम करता है और बैकवर्ड हैं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि समीकरण अभी से साधने लगे। यही वजह है कि कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से चुनाव जीते और हरियाणा में दूसरे नंबर पर उनको मत मिले, सबसे ज़्यादा मत मिले, और देश में वो तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी पुरानी दोस्ती भी है। पिछली बार जब मंत्री बने थे तो ये भी कहा जा रहा था कि उनकी दोस्ती वजह से उनको मंत्री, लेकिन इस बार जो समीकरण है, राज्य में चुनाव है और वो समीकरण पिछली बार वाला ही बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि फरीदाबाद और पलवल इस इलाके में भी अच्छा प्रदर्शन वो करना चाहते हैं। और उनको भी जो है आपने देखा होगा पिछली बार जो है कृष्णपाल गुर्जर सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री का जिम्मा उनको दिया गया था और इस बार भी जो है कृष्णपाल गुर्जर पर भरोसा जताया गया है, उन्हें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। अगर हम रतनलाल कटारिया की बात करें तो रतनलाल कटारिया चौंकाने वाला नाम था, क्योंकि शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले तक उनका नाम चर्चा में नहीं था, लेकिन अचानक जिस तरीके से उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया गया और कुछ घंटे पहले उनके नाम की चर्चा शुरू हुई थी और उनको मोदी मंत्रिमंडल में जगह भी मिली और अब जो उनको विभाग दिया गया है जल शक्ति मंत्रालय और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय दिया गया है और राज्य मंत्री के तौर पर ये काम करेंगे इन दोनों विभागों में। और कह सकते हैं कि जो दलित फेस हैं हरियाणा में बीजेपी के लिए, अब दलित फेस के तौर पर रतनलाल कटारिया देखे जाएंगे और विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र अगर कह सकते हैं कि पंचकूला अम्बाला जिलों में जो उनको प्रदर्शन करना है उसके लिए और पूरे हरियाणा में भी एक संदेश जाएगा कि मोदी मंत्रिमंडल में दलित फेस को शामिल किया गया हरियाणा से। और जो हरियाणा की राजनीति बदली है, हरियाणा की राजनीति आपने देखा होगा कि जो जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हिंसा हुई उसके बाद वहाँ की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला और उसका सीधा प्रभाव जो छोटे चुनाव हुए उन पर भी देखने को मिला। आपने देखा होगा कि जो मेयर के चुनाव हुए थे उनमें भी देखने को मिला और उसके बाद जींद उपचुनाव हुआ वहाँ पर भी देखने को मिला और जो बड़ा चुनाव लोकसभा का हुआ वहाँ पर भी सबसे बड़े स्तर पर देखने को मिला। और ऐसा लगता है कि जो जाट और नान जाट की पॉलिटिक्स जो है हरियाणा में चरम पर है उसका असर भी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा और जो मोदी मंत्रिमंडल में तीन नए चेहरे शामिल किए गए हैं वो समीकरण भी उसी दृष्टि से हैं और कह सकते हैं कि बीजेपी पूरा दांव जो है नान जाट चेहरे पर हरियाणा विधानसभा चुनाव में लगाना चाहती है।
यही वजह है कि मंत्रिमंडल में भी उन्हें जगह मिली है और हरियाणा सरकार में आप देखेंगे कि जो पंजाबी फेस के तौर पर पंजाबी समुदाय से वहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल आते हैं तो उनको पहले से ही जगह मिली हुई है। शायद यही वजह रही कि संजय भाटिया भले ही हरियाणा में सबसे ज़्यादा मतों से जीते, देश भर में वो सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले दूसरे सांसद बने, लेकिन यही वजह हो सकती है कि उनको जगह न मिली, क्योंकि हरियाणा की कमान एक पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर पर है। तो आगे हो सकता है उनके लिए चांस बन सकते हैं, लेकिन अभी जो हरियाणा का समीकरण है वो जाट और नान जाट पर फोकस है। यही वजह है कि बीजेपी पूरा फोकस जो है नान जाट चेहरों पर कर रही है और उनके लिए लोकसभा चुनाव के बाद पहला टेस्ट जो है हरियाणा में देना है, तो वहाँ भी अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद से। अभी आपने देखा होगा कि कृष्णपाल गुर्जर जो नए मंत्री बनाए गए उनका बयान भी आया कि वो 70 सीटें जो है हरियाणा में जीतने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो अभी से ही उसकी कवायद शुरू हो गई और उस सिलसिले में बयान भी आने लगे हैं। जी, अब हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दें, फिर से आपके पास आएंगे।